हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेकंड चांस। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन पे कुछ ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस या फोटोज रखते हैं तो आपका जो है मेमोरी जो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है फुल हो जाता है। एंड दोस्तों, अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो आपका देखिएगा नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो है मेमोरी फुल हो गया। आपको कुछ ऐप्स आपको डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐप लोगों को ये परेशानी होती होगी मेमोरी को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कुछ हद तक अपने फ़ोन की मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक एक्चुअली ये है फ्रेंड्स कि मैं आज आप लोगों को एक कोड बताऊंगा। वो कोड को आप अगर अपने फ़ोन पे डायलर पे जाकर डायल करेंगे तो आपका जो है फ़ोन मेमोरी कुछ हद तक जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब कि बेस्ट ट्रिक है, मैं इस वीडियो पर आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की मैं हमेशा ट्रिकी वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली अपने जाना है फ़ोन के डायलर पे। तो ये फ्रेंड्स, ये ट्रिक सैमसंग के फ़ोन पे और हो सकता है कोई अदर कंपनी पे भी ये काम कर सकता है, बट 100% सैमसंग के फ़ोन पे, सारे सैमसंग के फ़ोन पे ये ट्रिक काम कर जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, आपको डायलर पे जाकर आपको टाइप करना है स्टार, उसके बाद आपको टाइप करना है हैच, एंड उसके बाद देना है 99, और उसके बाद आपको टाइप करना है 00, एंड लास्ट पे आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ आप हैज दबाइएगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ हैज दबा के आपको, तो ये देख सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का कुछ ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ उसी ऑप्शन का आपको सिर्फ क्लिक करना है, आप कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है आपको क्लिक नहीं करना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सब से आपका फ़ोन जो है डैमेज भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस ऑप्शंस में से छेड़छाड़ ना करें, जो मैं बता रहा हूँ उसी का आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक करना है जो सेकंड ऑप्शन पे है डिलीट डंप स्टेट लॉग इट लॉग गेट, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है डंप रिजल्ट पे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको अपना स्टोरेज दिखा देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये इंटरनल मेमोरी ये बढ़ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ दे सकते हैं अवेलेबल स्टोरेज जो है 1.36 GB है, 1.36, आप लोग इसे याद रखिए। और उसके बाद मैं इसे करके दिखाता हूँ ये कितना फ्री करता है मेरे स्टोरेज को, 1.36 जो है मेरा अवेलेबल। तो अब मैं देखता हूँ वो करने के बाद मेरा कितना बढ़ता है। तो इसे डंप रिजल्ट पे डिलीट डंप पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद बस आपका जो है काम हो गया है कम्प्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्टोरेज कितना बढ़ता है, कुछ हद तक स्टोरेज जरूर बढ़ेगा। देख सकते हैं मेरा स्टोरेज जो है 1.87 GB हो गया है अवेलेबल स्पेस। तो फ्रेंड्स, लगभग 5.5 MB जो है मेरा स्टोरेज बढ़ गया है इंटरनल मेमोरी का। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ अगर सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट पर जरूर मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह की ट्रिकी वीडियो से आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।